वंदे गुरुपद्द्वंद्व भक्तबिंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनो समायुक्तं बिंदावनम वांछाकल्पतरुवश कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं जप्तिपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेवै पियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वै नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोपरण्यं धैयं सदा परिभवन्नम अविष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतं शरण्यं वीतातिहं पुनतपाल भवाद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरीजित गमपिगबोधुष्वदर्श पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरु कमलायताक्षु विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वां भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं बागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्व च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। यत्र त्रम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तुयते ब्रह्म कथा विगातः निशब्दमानं अनुदिनं मुमुक्षुर्मतिं सतीं यच्छति वासुदेव
यत्रोत्तमशोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्रह्म कथा विघातः निषेव्यमानं मनोदिनं मुमुक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवी। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, ये जगत का कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, ये जगत का कोई भी चीज़ कोई भी व्यक्ति नित्य नहीं है, ये दो दिन का है। माया क्या वस्तु है किसी को पता नहीं, माया क्या वस्तु है किसी को पता नहीं। प्रभात कह रहे हैं कि मियोति अनया इति माया, हमारा बुद्धि विचार के द्वारा समझने वाला जितना सारी चीज है, हमारे इंद्रियां, हमारे जितना सारे इंद्रियां हैं, मन है, विचार बुद्धि है, इसके द्वारा जो जजमेंट होता है, विचार होता है, इसके द्वारा नापा जाए, इसके द्वारा जो विचार किया जाए जो भी वस्तु, यही माया है। हमारा सेंस ऑर्गन के द्वारा, इंद्रिया के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जो चीज़ को समझाने का, समझने का कोशिश करे आदमी, कुछ ये सारे माया है। प्रभात कह रहे हैं जो नहीं है वो समझ के बैठे, जो जो चीज नहीं है उसको उसी चीज बैठ के समझ के बैठा। माँ या जो नहीं है वो वस्तु को ये उल्टा समझ के बैठे, इसका नाम है माया। माया हर हालत में अनित्य है, माया तो एक्चुअली नित्य विराजमान है ही है, लेकिन जीवों के लिए माया नश्वर है, माया का जो मैजिक स्पेल, ऐसे माया नित्य है, भगवान नित्य है, जीव नित्य है, सारे माया, ऐसा नहीं कि मर जाएगा फिर, ऐसा नहीं, लेकिन जीवों के लिए माया अनित्य वस्तु, क्योंकि जीव चिन्मय वस्तु है, जीव चिन्मय वस्तु है, चिन्मय वस्तु के लिए चिन्मय वस्तु रिलेटेड, चिन्मय वस्तु जो रिलेटेड थिंग है वो होनी चाहिए। माया तो इसका साथ कोई ताल्लुकात है नहीं, कोई संबंध नहीं है माया का साथ जीवों का, हर हालत में कोई संबंध नहीं, लेकिन संबंध बना के बैठा हुआ है उल्लू का मापी। जो भगवान का साथ संबंध तोड़ा नहीं जाए, इच्छा करने से एजिटेशन करो, आंदोलन करो, किसी भी हालत से भगवान का साथ नाता जो नित्य संबंध है तोड़ा नहीं जाए, लेकिन यही भगवान का साथ नाता तोड़ के बैठा हुआ है। कौन भगवान है जिसका साथ संबंध तोड़ा नहीं जाए, इटर्नल रिलेशन है। मामई वंश जीव लुके जीव भूत सनातना, भगवान कह रहे मेरा ही अंश है जीव, शक्ति का अंश है। भगवान का साथ संबंध तोड़ा नहीं जाए किसी भी हालत से, लेकिन भगवान का साथ ही संबंध वो भूल गया, भगवान का साथ नित्य संबंध भूल गया है। माया का वस्तु जो है चारों ओर, माया का जो मैजिक स्पेल है, अनित्य वस्तु है चारों ओर, जिसके द्वारा जया सन्महित जगतः, जिसके द्वारा ये मोहित नहीं है। मोहित शब्द तो हल्का है, पतला है, मोहित जया सन्मोहित हो, सम्यक रूप में मोहित हो गया, टोटली खो बैठा याददाश्त। जया सन्मोहित जगत माया, इसका नाम है माया। भगवान मायाधीश है, जीव माया बॉस है, या जीव जीव माया बॉस है, माया का बस में आने वाले, और भगवान मायाधीश है, जानते हो। समस्या ये है कि जब तक जीवात्मा अपना जो अपना ऊपर जो भरोसा, अपना ऊपर जो भरोसा रखते हैं, इसको अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बोला जाता है,
अंग्रेजी में इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाए। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो शब्द है इट इज ओनली एप्लीकेबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस शब्द जो है अप्राकृत जगत में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अप्राकृत जगत का शुरुआत से लेकर दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसम। मेरा कहने का मतलब है भजन जिंदगी का शुरुआत से लेकर अंतिम तक, अंतिम में नहीं ये भी गलती है, नित्य जगत में जाने का बाद भी सबमिशन शरणागति रहे। भजन राज्य में ये जो शब्द है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चलता है। भजन राज्य का शुरुआत से लेकर अंतिम, अंतिम में नहीं इटर्नली अनुगत्व नाम का एक चीज है जिसका बारे में किसी को पता नहीं। सब फॉल्स ईगो के द्वारा उमर रहे है, इतना घुमंड है, फॉल्स ईगो के द्वारा सब मर रहा है। वो जानता नहीं ये फॉल्स ईगो मतलब फांसी का फंदा। अगर इसको पता होता ये हमारा जो अंदर में फॉल्स ईगो है ये मेरे लिए ही फांसी का फंदा, ये बिल्कुल नहीं करते। इसको मालूम ही नहीं है कि जितना बड़ा हम अहंकार करेंगे उतना ही मेरे लिए फांसी का फंदा है, ये जानते नहीं। अब भजन राज्य का शुरुआत से लेकर अंतिम मौत नहीं, मौत के बाद भी नित्य जगत में जाके हमारा रोना शरणागति बचाओ 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 बचाओ, फिर ये तर रोना, फिर रोना सीधर को परम पूज्य सीधर गोस्वामी महाराज, अरे बाप रे। अंतिम समय में वो एक अकेला घर में चिल्लाते थे घोर निताय हरि बोल, घोर निताय हरि बोल, घोर निताय हरि बोल, जैसे कि मरते जा रहे, जैसे महाराज जी अभी मर रहे, कौन निताय हरि बोल, कौन निताय हरि बोल, ऐसा बोलते थे। ये डायरेक्ट फीलिंग जो है किसी का अंदर में अगर आ जाए हर हालत में इसके लिए जिंदगी बदल जाएगा, लेकिन आता नहीं। जितना भी प्रवचन सुने और जितना भी सच्चा झूठा सुने बाजार में सारे लेके एक उघेरवनी में रहता है आनंद से, एक आनंद, एक जड़ आनंद मेटेरियल आनंद है। वो बात कह रहे हैं जब तक आप अपना पर भरोसा रखोगे उतना ही आप धोखा खाओगे। जब तक आप अपना ऊपर भरोसा रखोगे उतना ही आप धोखा खाओगे। गुरु वैष्णव के चरण में विश्वास लगा के एकदम पूरा निष्कपट रूप से शरणागत हो जाओ तो गीता का जो प्रवचन है प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुक्ता कर्ता अहम इति मन्यते, ये जो बीमारी है ये छूट जाएगी। ये बीमारी है, कुछ नहीं है। आदमी सोचता है कि जितना स्टाइल दिखाओ, जितना स्मार्टनेस दिखाओ नेता लोगों का माफिक, वो स्मार्टनेस कुछ नहीं। स्मार्टनेस मतलब स्ट्रेटनेस, स्मार्टनेस इज नथिंग बट स्ट्रेटनेस। आपका हृदय और मन और बाहरी प्रवचन वचन सारे एक लाइन पे आ जाए, मतलब क्या है, मतलब निर्भीक होना। स्मार्टनेस का मतलब निर्भीक होना, और निर्भीक एकमात्र साधु छोड़कर कोई हो ही नहीं सकता। कोई मिनिस्टर है, कोई नेता है, कुछ कोई संभव नहीं। कोई स्टार है, मेगा स्टार और स्टार मिनिस्टर कोई भी हो, उसका लिए संभव नहीं। निर्भीक होने का मतलब है स्मार्टनेस, ये एकमात्र प्रभुपाद स्मार्टनेस है। प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर केशव गोस्वामी महाराज सिद्ध, ये लोग स्मार्ट है अंदर में, जिसका कोई डर अंदर में, जिसका डर बोल के कोई भय, डर बोल के कोई चीज है ही नहीं, जिसका अंदर में डर बोल के कोई चीज है ही नहीं। इनकम टैक्स का आदमी आया और सीधर गोस्वामी महाराज को किसी किससे खबर मिला, इसका बहुत माल पानी है, नंबरदार है महाराज, और आया इनकम टैक्स बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग आया और आके रेड किया मंदिर को, इधर उधर से छानबीन किया। और फिर उसका बाद महाराज के साथ बैठे घर में,
हम महाराज धीरे धीरे विदाउट एनी टेंशन, ऑफिसर लोग देख रहे हैं, अरे जिसका मंदिर में मैं रेड किया, जो मालिक है जो, उसका कोई टेंशन ही है नहीं, कुछ नहीं, मतलब इसका कोई दोष नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, कौन जाने। जैसे टीटी लोग है ना, टीटी लोग किसको पकड़ते हैं, जो देखता है थोड़ा घबरा है उसको भाई टिकट दिखा और जो स्मार्ट है ना उसको बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो जाने इसका टिकट है ही है। ऐसा ही है वो इनकम टैक्स ऑफिसर लोग, क्या रेड किया, महाराज का साथ बात करने में करने के लिए घर में घुसा, और महाराज आराम से हरी कथा बोलना शुरू कर दिया। अब महाराज का कहे, एक घंटा प्रवचन सुनने का बाद हाथ जोड़ करके बोलना शुरू कर दिया, महाराज आपका चरण में दंडवत है, अब निश्चिंत रहो, हम जा रहे हैं, आप भगवान का सेवा में लगाओ, कुछ भी अगर है तो आप भगवान का सेवा में लगाओ, कोई चिंता, हम आएंगे नहीं ऐसा है। तो स्मार्टनेस, वो पागल छागल सा दुनिया का आदमी जो है स्मार्टनेस दिखाता है, जितना कापड़ खोल दो तो सबसे बड़ा स्मार्टनेस है, कम पहनो तो मीडियम स्मार्टनेस है, ऐसा दुनिया का हालात है। क्या जाने ये कौन सी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, हमको मालूम नहीं है। तो प्रभात कह रहे हैं, जब तक अपना ऊपर भरोसा रखने वाले भरोसा रखोगे तब तक धोखा खाओगे। जब गुरु वैष्णव का ऊपर, कृपा का ऊपर भरोसा रख के एकदम हाथ हाथ उठा दोगे, महाराज आपका चरण में आया, बचा लो, बस तब धीरे धीरे सरंग शरणागति हो जाए, सरंग शरणागति हुई भी जहार तारो प्रार्थना सुने सिनंद को, नहीं तो प्रकृति क्रियामानानी गुणोई कर्मानी सर्वसा, ये सारे प्रकृति का मैजिक है, ये लड़का लड़की वो सब प्रकृति है, कुछ नहीं, इसका बॉडी और क्या करे, और बीच में से माया खाते जा रहा है, बीच में से भगवान को कुछ लेना था और सब माया खा रहा है, सब प्रकृति क्रियामानानी गुणोई कर्मानी सर्वसा, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के द्वारा विमूढ़ात्मा, विमूढ़ आत्मा मूर्ख हो गया, वो अपने को कर्ता समझते हैं। ये कर्तापन जब तक ना जाए तब तक कोई भरोसा नहीं है भजन। अब कार्तिक महीना में गजेंद्र मुखों का थोड़ा विषय जो है सुबह में याद करना भी है, आंखें खुलने का बाद वैष्णवों का नाम, पंचतत्व और सब कोई का, और गजेंद्र जी का जो पिक्चर है, तस्वीर है, हृदय में भर के रखना और देखना, मैं जीवात्मा हूँ, गजेंद्र हूँ, हमको ग्राहों ने माया ने पकड़ा है और ठाकुर जी आए हुए हैं सुदर्शन चक्र से द्वारा, ग्राहों का माया का एकदम गला काट कर, और जीवात्मा गजेंद्र जो माया के द्वारा मोहित होकर करता अहम इति मन्नते, ये हाथी है गजेंद्र, ये जो जीवात्मा उसको बचाने के लिए, और भागवत का जो 87 चैप्टर है दसम स्कंध का, इसमें सुंदर बताया गया वेद स्तुति में, जय जय या याम यित दोष गृहीत गुण तमसी यदात्मना समबरु समस्त भग अगजग साम दो। ये श्लोक बहुत सुंदर है, ये माया के द्वारा ठाकुर मैं डूबते जा रहा हूँ, अब मेरे को बचा लो, जय जय जो ही अजाम, जय जय या जो याम जित दोष कृभीत गना तमसी यदात्मना समबरुद्ध समस्त भग। ए प्रभु, आपका माया जो है, इसका प्रभाव जो है, ये सोचने का बाहर है, अनलिमिटेड पावर, इसका साथ मुकाबला करना मेरा बस का काम नहीं, बस हाथ उठा दिया, मामेव जो प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति, आपने बताए ठाकुर जी, आपने बताया ना, जो मेरा चरण में जो शरणागत हो जाए वो माया बेरापार हो जाए। हर जीवात्मा का लिए सुबह का टाइम में जो बद्ध दशा में है, ऐसे तो मुक्त पुरुष है, परमहंस है,
जो रूपानुग रागानुग भजन में वो तो राधा गोविंद के चरण तो गोविंद गौरंग महाप्रभु दिखते ही रहेगा, लेकिन हर बद्ध जीवों के लिए चाहे कोई भी हो उसके लिए सुबह के टाइम में गजेंद्रो मोक्षण का जो जो विषय है, ये पूरा जो पिक्चर है, ये जो छवि हृदय में विचार करना है, ये मैं गजेंद्र हूँ, मैं बद्ध जीव हूँ, कैसे पार करके जाऊँ, हाय हाय मेरा तत्व ज्ञान नहीं है और तत्वगम पुरुषों का पास पहुँचा नहीं, अगर कोई पहुँचा भी है ठुकर उसको अपमान किया, उसको अवॉइड किया, उपेक्षा किया, तो उसके द्वारा तो हमारे एकदम हालत बहुत खराब है। तो ऐसा स्थिति में गजेंद्र मोक्षण का सोचना, ये सोचने का क्यों बताया महाराज, बोले इसलिए बताया इस गजेंद्र मोक्षण के बारे में भगवान का प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है जो व्यक्ति सुबह में उठकर मेरा गजेंद्र मोक्षण का विषय में चिंतन करे, ये छवि को हृदय में देखे, तो उसका मरने का टाइम है ददामी विमलम जोगम, इसका विमल विमल बुद्धि योग हम देंगे। विमल बुद्धि योग मतलब विशेष विशेष पवित्र विशेष मल शून्य, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं। विमल बी विगत मल, मल माने कंटामिनेशन, बी मल मतलब विगत मल, विगत मल जिसका अंदर में कोई मल व कंटामिनेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल सफा है। इतना सुंदर सुंदर हम विचार बुद्धि देंगे शरीर छोड़ने के टाइम पे कि वो मेरे को याद में रखे और मैं उसको ददामी विमलम बुद्धि योग, इसको हम विमल बुद्धि योग देंगे। इसीलिए हम बताएं ऐसे ही कार्तिक महीना में गजेंद्र मोक्ष के बारे में सोचने का ये आदेश भी है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा हरिकथा माना है, जितना कर सकोगे उतना ही अच्छा है। जो भी है प्रभुपाद का ये आदेश है, प्रभुपाद कह रहे हैं तो अपना बहादुरी पर भरोसा रखने वाले वो मरेगा, कुछ नहीं होगा। जो आरोह बाद में है उपस्थित है उसको मरना ही है, असेंडिंग प्रोसीजर। आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो अनादृत जुस्मत अंग्रयो। ठाकुर जी आपका चरण का जो नित्य सेवा, आपका चरण का जो नित्य उपस्थिति, आपका चरण का नित्य महिमा, नित्य सेवा को ठुकराया, इसीलिए जितना भी ऊपर चढ़ सके तो चढ़े रावण का मापिक, लेकिन गिरना 100% गिरेगा ही। आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अध अनादृत जुस्मत अंग्रह। कोई भी विशुद्ध गुरु वैष्णव कभी भी असेंडिंग प्रोसीजर का बारे में नहीं बताएंगे, शरणागति के बारे में बताएं। मेरा गुरुजी अक्सर कहते थे रामानुजाचार्यों का लिखा हुआ प्रपन्न जीवनामृतम, श्री रामानुजाचार्यों का लिखा हुआ एक किताब है जो हमारा गौड़ीय समाज में भी बड़ा आदृत है, वहाँ बड़ा आदृत है। इसका एक किताब का नाम है प्रपन्न जीवनामृत। मेरा गुरुजी अक्सर कहते थे देखो बेटा परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक किताब को एडिट किया, वो किताब को पढ़ना, बार बार कहते थे क्योंकि गुरुजी को मालूम है शरणागति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। प्रपन्न जीवनामृत जो भी बड़ा अनोखा किताब है, और जो अपना बल भरोसा पर अपना ताकत पर भरोसा रखने वाले जो हैं इसका बारे में हम कुछ गारंटी दे नहीं सकता। रास्ता तो एक ही खुला है, जो उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का सामने अपना शरणागत होकर अपना दिल का जो भावना है पूरा खोल के रख दिया, निष्कपट रूप से खोल के धर दिया ठाकुर जी का चरण में, बोले मैं तो ऐसा हूँ, अब आप बचाए तो बचाए, हम क्या करें कहाँ जाए। रास्ता एक ही है, गुरु जी कहते थे त्वदिद्धि पुनिपातिनो परिपेशनो सेवया उपोदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिन। जब तक हमारा ये मस्तक को विशुद्ध परमहंस गुरु वैष्णव के चरण में बिखरी जब तक ना कर दे,
हमारा ये मस्तक को जब तक हम बिक्री ना कर दे परमांश गुरु वैष्णव के चरण में, तब तक मंगल का वास्तविक रास्ता नहीं खुलने वाला। मैं चीट करने वाला आदमी नहीं हूँ, चाहे आप भगो मेरा, लेकिन मैं पक्का बोलने वाला, मैं ऐसे सुनू। जब तक हमारा मस्तक को हम परमांश शुद्ध गुरु वैष्णव के चरण में जब तक बिक्री ना कर दे, तब तक भगवत प्राप्ति ये तो गप है, एक ड्राई फिलोसॉफी है, नथिंग। बहु हल्ला गुल्ला होगा, बहु मिठाई का भंडारा हो सकता, कुछ ड्राई फिलोसॉफी का चर्चा भी हो सकता, बट दैट इज नॉट द आउटकम ऑफ योर कार्तिक व्रत। कार्तिक व्रत का मायने ये नहीं है। कार्तिक व्रत का माने हैं प्रतिज्ञा लेना, ये ठाकुर जी मरते दम तक हम आपका ये व्रत पालन करेंगे, आपको रिझाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। और विशेष ये है, भक्त में ठाकुर जी ने बताए, हर वक्त हरि कथा कीर्तन में लगे रहे, कार्तिक महीना के यही विशेष है। परम पूज्यवत केशव गोस्वामी महाराज भी ऐसा करते, अरे छोड़ हरि कथा सुन, ये कार्तिक महीना का हर वक्त सुनते रहो। माया क्या चीज है, माया क्या चीज है, ये व्याख्या करना संभव नहीं, लेकिन अनुभव में होता है कभी कभी। बद्धजीवों के लिए तो अनुभव में भी नहीं आता, जो भक्त बनने का कोशिश करे अगर अपराध नहीं किया होगा तो उसका थोड़ा बहुत अनुभव, क्या चीज है महाराज, इस दिल इस चीज में दिल लग गया एकदम, बिल्कुल एकदम मैं खो गया इसी में, ये क्या माया है। भक्तिमन ठाकुर कहते थे माया का डेफिनेशन सुन लो, भक्तिमन ठाकुर माया का डेफिनेशन कहते थे, क्या डेफिनेशन है, भक्तिमन ठाकुर कहते थे जो भगवान का स्वरूप शक्ति, ध्यान से सुनना, भगवान का जो स्वरूप शक्ति है, ये अंतरंग शक्ति स्वरूप शक्ति यही असली शक्ति है, लेकिन स्वरूप शक्ति अंतरंग शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो शक्ति नहीं रहने से इसका इनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, इसका नाम माया। आई बात समझ में, भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं भगवान का जो अंतरंग शक्ति स्वरूप शक्ति यही असली शक्ति है, लेकिन भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर कोई शक्ति, कोई शक्ति है बोलकर महसूस होता है, किसी एक शक्ति, इस शक्ति का बाहर कुछ शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन जो अंतरंगा शक्ति का एब्सेंस, वो अनुपस्थिति में इस शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। जैसे आदमी का परछाई, आदमी का बॉडी नहीं है, मेटेरियल बॉडी नहीं, तो परछाई कहाँ से आए। तो ये जो बॉडी है आदमी का, जो मेटेरियल बॉडी है, ये साबित करता है वो जो शैडो है परछाई, ये साबित करता है कोई असली वस्तु है, कोई असली वस्तु है, इसी का शैडो है, ये असली वस्तु नहीं है तो कहाँ से ले रहा है, शैडो कहाँ से आएगा। इसीलिए बहुत बार कह चुका पहले, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। प्रभुपाद कहते थे दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, अप्राकृत जगत का विकृत प्रतिफलन, अप्राकृत जगत का विकृत प्रतिफलन है ये जड़ जगत। ये सरासर 100% झूठा भी नहीं है, सरासर 100% सच्चाई भी नहीं, लेकिन अनित्य है, महाप्रभु जी ने यह बताए। और अनित्य वस्तु में लगन लगाने वाले को मरना ही है, क्या करे, जो अनित्य वस्तु में मन लगा दिया तो उस तो मरना ही है, वो तो माया में फंसे गई, कुछ करने का नहीं। तो भक्तिमय ठाकुर का कहने का मतलब है भगवान का सर्व शक्ति शक्ति, इस सर्व शक्ति अंतरंग शक्ति असली शक्ति भगवान का वास्तविक शक्ति, ये सर्व शक्ति का बाहर कुछ शक्ति है बोल, कुछ शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन वास्तविक रूप में ये अंतरंग शक्ति सर्व शक्ति नहीं रहने से ये शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। जिसका बारे में ब्रह्म संहिता का जो है, सृष्टि श्रुति बलय सदन शक्ति रेखा छाएव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्व चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि इच्छानुरूपमपि जस्व चेष्टते सा।
छायव जस्य है ना, इसमें बोला हुआ है ना छायव जस्य, छाया एवो छाया छाया इवो जस्य, संधि विच्छेद कर दो इसे हैं, छाया इवो जस्य, छाया का माध्यम, तो इसका नाम है माया, लेकिन इसी को रियलिटी मान के बैठा हुआ है, रियल एंड अपरेंट। कल चर्चा करेंगे पोपात रियल एंड अपरेंट, इस बारे में एक ट्रियाट्राइस, एक ट्रियाट्राइस माला छोटा किताब लिखा, ट्रूथ 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 रियल एंड अपरेंट। और एक बात है भक्ति राज्यों का, जो तद्विधि परिवार परिवर्तन से तो बताया है, ये तो बेसिक थिंग है, ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं बनेगा। तद्विधि पुनिपादेन परिवेशन सेवाय अतः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी, जो तत्वविद बने तत्वविद तत्वज्ञानी तत्वविद महापुरुष, तो आपका ये जो तीन कंडीशन है इसको देखकर आपको शरणागति देखकर आपको शरणागति देखकर आपको तत्वज्ञान को उपदेश जरूर देंगे। ये दयालु है कृपालु है, हम लोग तो ये कुंठ राज्य में हेजिटेशन, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ हेजिटेशन, स्वामी का साथ स्त्री का संबंध है, बेटा का साथ बाबा का संबंध है, स्वामी पिता का साथ नो पुत्र का संबंध, कुछ भी संबंध है, सारे संबंध है, इसमें झूठापन है, कपट भाव है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अ फील्ड ऑफ हेजिटेशन, ये हेजिटेशन का राज्य है, लेकिन हमको जाना पड़ेगा कहाँ, वैकुंठ राज्य, देयर इज नो हेजिटेशन, टोटल रियलिटी, अपेरेंट रियलिटी नहीं, वास्तविक, इस राज्य में मेरे को जाना है। तो ये तद्विधि पुनिपात ये तो है बेसिक थिंग, इसके अलावा तो कुछ बातें नहीं बनने वाला। इसका बाद श्रुति में एक कहावत है, जशो देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते ही तस्यैते कथिता ही अर्था, काल चर्चा करेंगे इस विषय में, तस्यैते तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशमन्ते महात्मनः, जैसा भक्ति गुरु में ऐसा भक्ति देवता में, माँ भगवान में, भगवान में इतना इतना, तो आगे चलकर बात बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं। इसका सामने शास्त्रों का अर्थ है, आप विद्वान हैं, बहुत सारा पढ़ा लिखा किया, शास्त्रों आप समझ लोगे, उतना इजी नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैंने इतना एडुकेशन किया है, मैं शास्त्रों का अर्थ तो समझ नहीं, नहीं नहीं, हर हालत में नहीं, कितना देखे हैं, हजारों पढ़ा लिखा आदमी हैं, शास्त्र का अर्थ तो समझना उतना आसान नहीं है। गुरु वैष्णव का कृपा के अलावा शास्त्र का अर्थ तो समझा है, दिखाओ मेरे को एक, चाहे आचार्य बन के बैठे हुए, ये झूठा दुनिया कुछ भी कर सकता है, इसका लिए मैं जुमा नहीं हूं, लेकिन इसको शास्त्र का अर्थ पूछो बोल नहीं सकेगा, क्योंकि वो झूठा का बुनियाद पर खड़ा हुआ है, ये झूठा का बुनियाद पर खड़ा हुआ है, इसलिए शास्त्र का अर्थ इसका बन। आ चाहे अनपढ़ आदमी है, गुरु जी का कृपा मिल गया है, इसको शास्त्र का अर्थ पूछो, ये गर 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 बताते चलेंगे। यहाँ तक कि शंकराचार्य जो मायावादी है, शंकराचार्य का संप्रदाय में जो गुरु तत्व है वो हम बोलने वाला नहीं है अभी, कभी बताएंगे ये हंसी आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब शंकराचार्य जो मायावादी के संप्रदाय में गुरु तत्व का बारे में जो विचार है, हो करके हंसी आ जाएगा, इतना उल्लू का पटाखा मापी विचार है। मेरा कहने का मतलब है शंकराचार्य जो मायावादी का भाष्य प्रचार किया, लेकिन शंकर साक्षात शंकर, शंकर तो भगवान है, शंकर भगवान ते तो भक्त है। मेरा कहने का मतलब है शंकराचार्य का जो एक शिष्य है वो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, और बाकी शिष्यों ने जो एडुकेटेड है, पद्मपाद इसका नाम, बहुत सारे शिष्यों ने इसका अपमान किया है, क्या कुछ जानता नहीं कुछ नहीं, और गुरुजी प्रवचन देने बैठे हैं और गुरुजी बैठे हुए हैं कि पद्मपाद आएगा,
पद्मवत झरने का पानी में अपना गुरुजी का कापर धुलाई करने के लिए गया और गुरुजी बैठा हुआ है प्रवचन नहीं दे रहा, तो बाकी एडुकेटेड जो बड़ा विद्वान शिष्य, गुरुजी क्या हुआ अब शुरू क्यों नहीं है, अब उसको आने दो, वो क्या समझेगा, वो अनपढ़ है। गुरुजी बोला अरे बाप रे तेरा इतना घुमंड है अपना विद्या के ऊपर, चल दिखा देते उल्लू का पट्टा दिखा देते, चल क्या मैजिक दिखा दे। तो पद्मवत आ रहा है, पद्मवत कपड़ा धुलाई करके आ रहा है, कपड़ा धुलाई करके आ रहा है और मुंह से उसका निकल रहा है सो वेदों का ऋचा सब फट 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 फट। गुरु जी जो बहका दिया, अरे क्या बात है, बोलते बोलते आ रहा है और गुरु जी चुप होकर गुम चुप होकर बैठा हुआ है। और पद्मवत वो वेदों का ऋचा गुरु जी का जो स्तोत्र है सब बोलते बोलते आ रहा है। बाकी जो शिष्य है जो अपना अपना घुमंड है जहाँ विद्वान है बड़ा पंडित है वो तो घबरा गया, अरे पद्मवत लिखा पढ़ा जानता नहीं उसका, कैसे बोलते बोलते आ रहा है, वो परफेक्ट उच्चारण है। मैंने जिंदगी में देखा है गुरु जी को अपमान किया, गुरु जी को हल्का समझा, गुरु जी को उपेक्षा किया, उसका हालत मैंने आंखों से देखा है। महाराज मेरा रोना आ गया उसका हालत देख के, गुरु जी को उपेक्षा किया, वो सोचता है कि गुरु जी से भी वो एडुकेटेड ज्यादा है और उसका जो खानदान है गुरु जी से भी ऊपर है। हमने देखा है, मरते देखा है, मर गया, वो तो जिंदा है फिर भी मर गया, आंखों का सामने देखा है। इसे बिल्कुल स्पर्धा नहीं करो, बिल्कुल स्पर्धा मत करो, प्योर गुरु वैष्णव शुद्ध गुरु वैष्णव साथ चालाकी मत करो, बिल्कुल ज्यादा चालाकी मत करो, पूरा खत्म हो जाओगे जीवन जिंदगी पूरा खत्म। इसलिए जसो देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, इसका बारे में काल हम चर्चा करेंगे खुल्लम खुल्ला। ये शास्त्र का अर्थों किसका हृदय में प्रकाशित होने वाला, चाहे आप बड़ा विद्वान है संस्कृत पढ़ लिया फिर भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, वो चाहिए गुरु जी का कृपा। शास्त्र का गहरा अर्थ जो है उसको समझने के लिए, उसको अनुभव में लाने के लिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे, अरे बाजार से किताब लेके पढ़ ले, बड़ा पैसा का घुमंड है, हैं? तेरा नंगापन हमने देख लिया, बड़ा घुमंड है पैसा, पैसा का घुमंड है, तेरा नंगापन मैंने देख लिया। गौर किशोर बाबा जी महाराज कह रहे हैं पैसा कर बल भरोसा पर बाजार में जाके जा किताब लेके आ, जा उज्जवल मणिमणि आदि सब लेके आ, उल्लू का पट्टा ला लेके आ और पढ़ के दिखा दे। गौर किशोर बाबा जी महाराज कहते थे अरे बाजार से पैसा का बल से किताब तो खरीद के लाएगा लेकिन अनुभव कहाँ से आएगा, अनुभव कौन देगा, जा बाजार में जा किताब लेके आ, जा बाजार में जाके बहुत किताब लेके आ, बड़ा पैसा वाले तू नंबरदार है लेकिन अनुभव कौन देने वाला, तू जो अपमान कर रहा है, तू जो उपेक्षा कर रहा है, तू जो चुकली कर रहा है, कौन तेरे को अनुभव देगा, क्या ये मक्कार जो है चीटर है वो देगा, जिसका पीछे तू भाग रहा है वो देगा तेरे को, दिखा दे वो देगा तेरे को, दे दिखा दिखा, अनुभव कौन देगा, जिसका अनुभव खुद का बना हुआ है, जिसका खुद का कोई अनुभव नहीं है वो कैसे भले अनुभव देगा, ये संभव है क्या। बाकी चैतन्य महाप्रभु का जो सबसे बड़ा ये जो उपदेश है इसको नहीं मानने से दुनिया भर का शास्त्रों का मुखस्थ कर लो लेकिन हरि कथा जो है, अब लंबा चौड़ा प्रवचन दे दो लेकिन हरि कथा जो है ये कभी नहीं निकालेगा, ये जवान से कभी हरि कथा नहीं निकलेगा। ये चैतन्य महाप्रभु का तृतीय श्लोक का जो त्रिनाद विश्वनिचन तरुण विश्वेश्वर अमानिनो मानोदिनो कीर्तनियो सदा, ये प्रवचन दे सकता है घंटों भर, घंटों भर प्रवचन दे सकता है कोई आदमी, मैंने देखा है लेकिन अनुभव का घंटा है, कुछ नहीं है अनुभव नहीं है। हमारा उद्धव जी महाराज जगत में इतना बड़ा आचार्य होना मुश्किल है क्योंकि खुद भगवान ने आचार्य बनाए,
ये जगत में अक्सर देखा जाता है, सोसाइटी में उठपटांग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो एक को आचार्य बनाना जरूरी है। कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, इसी विचार लेकर किसी को आचार्य खड़ा कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा आचार्य मांग बिजानिया, आप गीता में हाथ देकर कहो, सालग्राम में हाथ देकर कहो, अपना छाती में हाथ ठोकर कहो, वो आचार्य हो सकता? आप उसका उतार आरती उतार रहे हो, ये आचार्य हो सकता? बोलो बोलो कसम से, आपका मन नहीं मान रहा है, वो आचार्य हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान ने कहे आचार्य मांग बिजानिया, उद्धव मैं आचार्य हूं, आचार्य कोई नहीं है, मैं खुद हूं आचार्य। आचार्य का रूप बेस बनाकर आम आदमी का पांच पहुंचता हूं, आचार्य कोई नहीं, आचार्य मां भी जानिया, किसी भी हालत से किसी का खड़ा कर दो कुछ हो। और यहां जो है भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं आचार्य मांग भी जानिया। और ये भगवान क्या कर रहे हैं, उद्धव जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बना दिया। भगवान का इच्छा है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं उद्धव, लेकिन तेरे को आचार्य का भूमिका में रहना है। नहीं, हम नहीं रह सकेंगे, हम आपका साथ जाएंगे। उद्धव मेरा बात मान लेना, आपका बड़ा भावना है, आप बड़ा सेवक हो। उद्धव जी का अंदर में इतना दिन तक ये भावना है, मैं बड़ा सेवक हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, लेकिन विचार ये बनता है सेवक का सेवा करना धर्म है, ये मैं मानता हूं। सेवक का सेवा करना धर्म है, मैं अगर गुरु जी का सेवक हूं, मेरा फर्ज बनता है, मेरा अंतरात्मा को ये कहना चाहिए कि सेवा कर, ये तो मान लिया। सेवकों का धर्म है सेवा करना, लेकिन सेवकों का धर्म है इससे बढ़कर एक चीज है। सेवकों का धर्म है सेवा करना, ये तो है ही है, लेकिन इससे भी बड़ा ऊंचा विचार है सेवकों को आदेश का पालन करना, ये इससे ऊपर है विचार, ये इसका भी सेवा ही है, आदेश का पालन करना। जो गुरुजी बोले, जो वैष्णव बोले, ये आदेश को इन टोटो अपना जिंदगी में पालन करना, ये दासत्व का धर्म है, सबसे बड़ा विचार है। मैं सेवा कर दिया, रूटीन मापिक, खाना बना लिया, खाना दिया, बर्तन घिस लिया, ठाकुर जी का गुरु जी का कपड़ा धो लिया, गुरु जी का शयन दे दिया, उठा दिया, कर इट इज जस्ट लाइक ए पापेट, पुतली है, कट पुतली जैसे, रिमोट कंट्रोल हो रहा है माया देवी का, माया देवी रिमोट कंट्रोल कर रहा है, और बॉडी जो है खाना बना रहा है गुरु जी का, और माया देवी रिमोट कंट्रोल कर रहा है हमको, और खाना बना रहा है, कपड़ा धो रहा है, सब दुनिया का आदमी। महाराज कितना बड़ा सेवक है, मेरा गुरु जी कहते थे महाराज आपका सेवक कहाँ गया, गुरु जी कहते थे जब महाराज उस सेफ्टी बॉक, बॉक माने क्रेन, क्रेन जानते हो, बगुला गुरु जी कहते थे से एक्टा बॉक, सेवक से एक्टा बॉक, मतलब वो एक बगुला है सेवक कौन सेवक है दुनिया में, सेवक मिलेगा क्या, दिखाओ, सब बिजनेस वाले, हम महाराज को ये करेंगे इसका बदले में ये मिलेगा, सब बिजनेसमैन है, एक दिखाओ जो जीवन जिंदगी निछावर कर दिया गुरुचरण में, मरते दम तक बोले गुरु जी हम है, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे श्री बामन गोस्वामी महाराज दिखाए, और केशव गोस्वामी महाराज दिखाए प्रभुपाद का सेवक, अपना जिंदगी को एकदम बाजी लगा दिया। और श्री बामन गोस्वामी महाराज का और एक सेवक था जिसका बारे में मैंने सिलीगुड़ी में प्रवचन में दोपहर का सेशन में सुबह शाम हरिकथा था, रूटीन जो चलते रहेगा, और दोपहर का टाइम में बामन गोस्वामी महाराज का तीरोभाव है, केशव गोस्वामी महाराज का आविर्भाव, कोई भी है
या गोविंद महाराज इनके शिष्य है बामन गोस्वामी महाराज का, ये बांग्ला प्रवचन दुफर को ठाकुर जी का कृपा से हुआ था। ए गोविंद महाराज भी मेरे को बहुत प्यार करते थे, उसका लेखनी देख लेना, क्या सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, प्यार करते थे। और बाहरी दृष्टि में देखने में गोविंद महाराज पागल जैसा है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन इसका ही दिमाग ठीक है, हमारा दिमाग खराब है। और जो हमने ठाकुर जी की कृपा से प्रवचन रखे थे महाराज जी का तिरुभाव, आपको लगेगा कि मेरा गुरुवर्गों के बारे में बोल रहा हूँ, आपको ये पता नहीं चलेगा कि गोविंद महाराज मेरा गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको महसूस होगा गुरु जी है, ये देख लेना, बंगला में है, लेकिन आप सुनोगे तो आप सोचोगे महाराज खुद नहीं बोला, अंतर से कहाँ से आया। मेरा कहने का मतलब है जब श्रील बामन गोस्वामी महाराज छोड़ दिए शरीर, तो गोविंद महाराज सारे ठाकुर जी का जितना सा जेवरत है, पैसा है, सारे एकदम इकट्ठा करके दे दिया, बोले ये सब रहा गुरु जी। और गुरु जी शरीर छोड़ने का बाद बोल दिया मैं भी शरीर छोड़ दूंगा, मैं भी शरीर छोड़ दूँ बोलने का साथ साथ तीन दिन में अपना शरीर को छोड़ दिया। तो कौन गुरु का सेवक है, कौन चीटर है, आपका अगर विचार बनता है तो आप कर लो, आपका अगर आप अपने को सोचते हो कि इतना बुद्धिमान है, गुरुजी आचार्य बना के गया है, अरे कितना हजारों एग्जाम्पल है गुरुजी आचार्य बना के दिया, तो सो व्हाट उसमें क्या हुआ, गुरुजी बना के गया, लेकिन गुरुजी का आदर्शों को पालन करे तब पावर मिलेगी, लेकिन गुरुजी का दोष नहीं है, गुरुजी बना के गया। जब तक मैं गुरुजी का अनुगत्य करूँ 100% निष्कपट रूप से, तब तक गुरुजी का पावर मेरा ऊपर आते रहेगा और मेरा आचार्यशिप चलते रहे। और अगर गुरुजी के साथ मेरा अंतरात्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, बाहरी दृष्टि में से दिखावा है, बना के गया, उसका बाद कितना पतन हो गया, देखो हजारों हम एग्जाम्पल दिखा देंगे। ये बड़ा बात नहीं, दुनिया का आदमी इतना कम बुद्धि वाले हैं, ये सोचते हैं कि हम विचार, अरे यार तो आचार्य है, आचार्य है, आचरण नहीं तो आचार्य कहाँ से, आचरण दिखो, आचार्य आचरण किसको बोलता है, मीठा बातें या रसगुल्ला। दे हैव टू इंस्ट्रूमेंट, ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड स्वीट वर्ड एंड स्वीट बॉल। ये दो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तुमको खत्म कर देंगे, चलो मरो, मरने जाओ, दुनिया मरने जाए, चूल्हे में जाए, मैं क्या करूँ, करने का कुछ नहीं है भाई, बता सकता हूँ ये सच्चा है झूठा है, इसके बढ़कर हमको कुछ करने का नहीं है। लड़ाई में जाना ठीक नहीं, प्रभुपाद कड़ा प्रवचन देते, आदमी सोचते थे कि वो लड़ाई का मूड में है, नहीं, ये तो बचाने के लिए, लड़ाई का मूड बिल्कुल नहीं है, ये तो बचाने का बात है। जो भी है, अभी उद्धव पहले सोचा कि मैं तो ठाकुर जी का सेवक हूँ, मैं ठाकुर जी का दास हूँ, अरे दास के सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है, दास का सबसे बड़ा ड्यूटी है मालिक का आदेश का पालन करना, मालिक जो आदेश करे मरते दम तक इसको पालन करो, ये दास का ड्यूटी है सेवा करना। हाँ ठीक है, सेवा करना तो है ही है, ये भी एक सेवा, लेकिन आदमी सोचते हैं रूटीन का माफिक, जैसे एक रूटीन है ना, सुबह में उठा, ये किया, वो किया, गरम दूध दे दिया, उसके बाद नाश्ता पानी दे दिया, उसके बाद गुरु जी का गरम चल बना दिया, ये सोचता है ये सेवा। अगर ये सेवा होता है तो इतना ये सेवा कर चुका उसका बाद भी इसका तरक्की नहीं, इसका पतन है। पौपा जी कितना रुसी किया गौर किशोर बाबा जी महाराज के लिए, ये सवाल है, कितना कापर धोया, आदमी नहीं समझता है, आदमी सोचता है प्रभुपाद जी गुरु सेवा नहीं किया, गुरु किसको बोलता है, गुरु सेवा क्या है, लोगों से समझते ही नहीं, ये सारे अंधेरे में है सारे, इसका कोई विचार बनता नहीं, कैसे समझे लोग, अरे वाणी सेवा है गुरु सेवा, प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जिंदगी भर वाणी सेवा किया, यही तो गुरु सेवा, अगर उसी करो सब कुछ करो, कब वाणी पर ध्यान नहीं दिया गुरु जी का वाणी स्वरूप पर,
तो क्या होने वाला? तुमने सोचा ही नहीं गुरु जी का वाणी स्वरूप को, जिंदगी भर गुरु जी का रोषी बनाया, तो हम मान लेंगे, हम क्या पागल है, मान लेंगे आप गुरु जी का सेवक हो? हैं, ऐसा गुरु जी का सेवक होता है? गुरु जी का सेवक का मतलब गुरु जी का वाणी स्वरूप, गुरु जी का वाणी सेवा करते करते, गुरु जी का वाणी सेवा, गुरु जी का वाणी सेवा करते करते, गुरु जी का वाणी, गुरु जी का वाणी सेवा करते करते, गुरु जी का जो वाणी स्वरूप का एहसास हुआ, अनुभव हुआ, अनुभव हुई, ये अनुभव होने के बाद जो जो सेवा कर रहे हो ये पक्का सेवा बनेगा, नहीं तो ये सेवा माया का सेवा। हम इस फंदे में आने वाला नहीं है, दुनिया जाए मरने क्या करे, चारों ओर ऐसा ही चल रहा। तो जो भी है, भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम उपदेश है ये सुनने का बाद माया बोल का, माया बोल के कोई चीज रह नहीं सकता। प्रभुपाद अक्सर कहते थे एक से नौवां स्कंद, ध्यान से सुनना, भूलना नहीं। प्रभुपाद कहते थे, गुरुजी से सुना है, प्रभुपाद कहते थे एक से एक स्कंद से लेकर नौवां स्कंद तक अगर गुरु वैष्णव का कठोर अनुगत्य में, इन टोटो, कोई अपना मनमानी नहीं, इच्छा करेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तुम्हारा मनमानी को फेंको, नरक में फेंको। गुरुजी कहते थे, प्रभुपाद का ये विचार, जो एक स्कंद, पहला स्कंद से लेकर नौवां स्कंद तक जो गुरु वैष्णव का कठोर अनुगत्य में सुना है, उसका दसम स्कंद में प्रवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर सही ढंग से नहीं सुना तो नहीं हो सकता, अगर सुना है दसम स्कंद में वो भी पक्का परमंशु गुरु वैष्णव का अनुगत में। और प्रभुपाद जी कहते थे अगर पहला स्कंद से लेकर दसम स्कंद तक सुना ही नहीं, प्रभुपाद का विचार, अगर पहला स्कंद से लेकर दसम स्कंद तक सुना ही नहीं, सिर्फ 11 स्कंद को सुना, प्रभुपाद को ले उसका बेरा पार हो जाएगा। बोले कैसे? बोले हाँ, यही तो बात है, ध्यान नहीं देते हो, हैं? ध्यान नहीं देते हो इस विषय में, पागल का माफी। पहला स्कंद से लेकर दसम स्कंद से, पहला स्कंद से नौ स्कंद तक ये जो रास्ते बन रहा है दसम स्कंद में, टू गेट एंट्री इन टू 10th कैंट्रो, इट इज अ वे आउट, पूरा पहला स्कंद से लेकर नौ स्कंद। और दसम स्कंद में प्रविष्ट होने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी जैसा परमंश गुरुजेव, भक्तिविनोद ठाकुर, बहुबा, ऐसा अगर परमंश गुरु नहीं रहे फिर भी तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। फिर भी परीक्षित महाराज जैसे क्वेश्चन किया, ये कैसे है, क्यों है, ये कैसा किया कृष्ण ने? अब तो काम जदुपति ही कृतवान वैजुगुप्सितम, ये तो घटिया काम किया कृष्णों ने, ये क्या किया है, ये क्या किया कृष्णों ने रास ले? महाराज ये एक नाटकबाजी है, ये जो परीक्षित महाराज कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, परीक्षित महाराज को मालूम है, इसीलिए परीक्षित में इच्छा करके बहाना बना के एक क्वेश्चन किया फॉर आश, हम लोगों के लिए, कि कई हमारा अंदर में एक क्वेश्चन तो नहीं आ जाए, गलत फहमी, कृष्णों ने गलती किया, कृष्णों का करेक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा तो नहीं है क्या? इसीलिए परीक्षित महाराज को रिप्रेजेंटेटिव बना के जोग माया ने एक दिखाया रास्ता, अब तो काम जदुपति ही कृतवान वही जुगुप्सितम, इतना घटिया काम किया कृष्णों ने। उसका बाद सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, इसका बाद सुखदेव गोस्वामी उत्तर, एक से एक बहुत उत्तर, अंग्रेजी कथा में कल चर्चा की 2 बजे से जो है, बड़ा गहरा विचार है। उद्धव जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं और परीक्षित महाराज जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता। तो दसवां स्कंद अगर हम दसम स्कंद तक नहीं सुने, सिर्फ 11 स्कंद सुने, प्रभुपाद कहते थे सिर्फ 11 स्कंद कोई अगर सुने
सही ढंग से गुरु वैष्णव का अनुगत उसका बेरा पार हो जाएगा। कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए तो दशम स्कंद सोना जरूरी है, ये तो पक्का है, ये बात तो हम नहीं छुपा रहा है। मेरा कहने का मतलब है ये तो गलत समझने से, ये तो गलत समझने से अच्छा है मैं कृष्ण को गलत समझूं, इससे तो अच्छा है कि दशम स्कंद नहीं सुने। प्रभुपाद का ये विचार है, अगर समझे तो अच्छा है, क्योंकि दशम स्कंद में प्रेम का प्रवचन है, प्रेम की बातें हैं, दशम स्कंद में ही तो असली चीज है। लेकिन प्रभुपाद का कहना है इलेवेंथ कैंटो, इफ समबॉडी कैन गो थ्रू इलेवेंथ कैंटो अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्योर डिवोटीज, महाभागवत का अनुगत्य में कोई भागवत जी महापुराण का ग्यारह स्कंद का ये जो विषय है वो अगर सुने बिल्कुल 100%, इसका माया इसका जीवन जिंदगी में ठहर नहीं सकेगी, गारंटी है, गारंटी। इलेवेंथ कैंटो ग्यारह स्कंद अगर कोई सुने तो माया इसका जिंदगी में ठहर नहीं सकेगी, बिल्कुल नहीं, ये गारंटी है। और इससे भी बढ़कर एक बात कहना चाहूं कि कोई अगर ये जो भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, क्योंकि ग्यारह स्कंद में बहुत सारे चीज है, नवजोगेंद्र का संवाद भी है, बहुत सारे है, मेरा कहने का मतलब है किसी का तकदीर में अगर ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो प्रवचन है, मैंने उद्धव जी का क्वेश्चन प्रश्न है, उद्धव जी का जो प्रश्न है और कृष्ण भगवान का जो उपदेश है, ये जो अंतिम उपदेश, अंतिम अंतिम इसलिए बताया गया कि इसके बाद भगवान अपना शरीर को छोड़कर चले गए। शरीर का मतलब जड़ जगत का मापिक नहीं है, भगवान का शरीर और भगवान अलग नहीं है। जैसे बद्ध जीवों का आत्मा और शरीर अलग है, मेरा कहने का मतलब है भगवान ये जगत छोड़ के चला गया, वो भी शरीर लेकर, अपना जो शरीर है चिन्मय सच्चिदानंद घन जो मूर्ति है, ये मूर्ति को हटा लिया जगत से, चैरियट रथ आए, भगवान रथ का ऊपर बैठे और रथ चले गए, धीरे धीरे ऊपर आसमान में धीरे धीरे चले गए। और वहाँ बहुत कुछ लिखा भी है, जितना ऊर्ध्वलोक में महो भूर भुव स्व महो जनो सत्व तपो सत्व, ये ऊर्ध्व लोगों में चलते गए और जहाँ जहाँ जिन लोगों का जो स्वर्ग आए वो लोग आरती उतारते रहे भगवान का, भगवान ऊपर जा रहा है धीरे धीरे रथ में बैठकर। और किसी किसी पुराण में ये मटेरियल आदमियों को भड़काने के लिए ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, कृष्ण ने मारा गया, शरीर छोड़ दिया, कृष्ण का शरीर को जलाया गया, उसका नेवल पोर्शन नाभि पद्म उसको पानी में फेंक दिया, उसे ये शंख क्षेत्रों ये पुरुष शिक्षित तो हुआ, बहुत सारे ऐसा है वो आदमी को भड़काने के लिए, बुका बनाने के लिए। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है शरीर, भगवान का शरीर हमारा मापिक नहीं है, आत्मा और शरीर भगवान का एक है, जो आत्मा भगवान का वही शरीर है, मतलब भगवान का समग्र शरीर चिन्मय है। अभी ये बात बनता है कि भगवान अपना शरीर छोड़ने का पहले उद्धव जी को प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जगत गुरु बना के जाना चाहता है। ये जो गुरुकरण है दैट इज अ परफेक्ट, मैं कोई गप नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चा बोल रहा हूं कसम से, ये जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गुरु बनाया ना, दैट इज द एक्चुअल प्रोसीड्योर दैट प्रभुपाद वांटेड टू अप्रूव। आई बात समझ में? ये जो कृष्ण भगवान ने उद्धव को आचार्य बना के गया है, दैट इज द एक्चुअल प्रोसीड्योर। अभी भी समझ में नहीं आया? मतलब ये है गुरु जी का अंदर का जो ट्रेजर है, संपत्ति है, गुरु जी अगर किसी व्यक्ति का अंदर रख सके, शिष्य का अंदर, वो गुरु बन सकता, वो शिष्य गुरु नहीं बन सके जिसका अंदर में गुरु जी का संपत्ति नहीं आ पहुंचा। मेरा बात समझ में नहीं आया? अभी भी गुरु जी का जो संपत्ति है, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद जी
ईश्वर पुरीपाद को सारे संपत्ति देखेंगे। कौन सी संपत्ति? प्रेम संपत्ति, भक्ति संपत्ति, ज्ञान संपत्ति, ये गुरु है। आई बात समझ में? चैतन्य महाप्रभु जी ने जब भी नित्यानंद प्रभु गुरु है, जब भी नित्यानंद प्रभु गुरु है, जगत गुरु ये बल्लभ जी महाराज है, नित्य काल का गुरु है, फिर भी इच्छा करके जगतवासी को प्रमाण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु श्रीवास अंगिना में वैश्व पूजा का आयोजन किया। याद है? नहीं है, याद है नहीं है, नहीं कि समय नहीं है, सब देखने का समय नहीं है ना, ये सब विचार करने का है, यह देखो विचार करके। ये चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा करके सारे भक्त समाज को बोला, ऐलान कर दिया जो काल गुरु पूजा महोत्सव होगा। अरे कौन सी गुरु, क्या कहना चाहा गौरांग महाप्रभु का, कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है, चैतन्य महाप्रभु जब भी जानते हैं नित्यानंद बलराम जगतगुरु सेवा विग्रह है, सेवक, सेवक सबसे बड़ा भगवान का सेवक है, एक गुरु तत्व है, फिर भी जगतवासी का सामने इसको प्रकाशित करने के लिए इच्छा करके चैतन्य महाप्रभु एक वैश्य पूजा का आयोजन किया, जिसमें नित्यानंद प्रभु को बुलाया गया, वैश्य पूजा का बहाना दिखाया। अरे वैश्य तो स्वयं महाप्रभु वैश्य है, वैश्य मतलब ये तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही वैश्य देव है, क्या है? और नित्यानंद प्रभु तो वैश्य देव है, और क्या है, और क्या है, वैश्य देवी तो है। तो फिर भी बहाना बना के दिखाया कैसे वैश्य पूजा करना है, हाउ टू इंस्टॉल गुरु तत्व इन साइड द हार्ट ऑफ एवरीबॉडी। ये बद्ध जीवों का गलत फहमी है, सरासर गलत भावना है, ये भावना को बदल डालो, ये भावना को बदलो, नहीं तो होगा नहीं, तरक्की नहीं होगी। ये गुरु का महिमा, गुरु का अंदर का जो संपत्ति है, ये गुरु जी अगर किसी का दिल में पूरा एकदम पूरा के पूरा रख के जा सके, देन एंड ओनली देन परंपरा का प्रोटेक्शन हो सकता है। बहुत बड़ा बात मैंने कह दिया, ये रिवॉल्टिंग बात है, ये इवोल्यूशन हो सकता है, मैंने कह दिया सच्चा बात। जिसका अंदर में गुरुजी अपना संपत्ति को रख सकेगा, ज्ञान संपत्ति, भक्ति संपत्ति, आचार संपत्ति, आदर्श संपत्ति, जिस शिष्य के हृदय में रख सके, एंड ही कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, जैसे लगेगा गुरुजी खुद, जैसे बामन गोस्वामी महाराज, केशव गोस्वामी महाराज चला गया तो ऐसा महसूस हुआ कि ये केशव गोस्वामी महाराज इसका अंदर में है, इनका अंदर में है, अभी भी है। इसको बोला है गुरु तत्व का प्रोटेक्शन, इसको बोलता है गुरु परंपरा का प्रोटेक्शन। गुरु परंपरा का प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कि किसी उल्लू का पट्टा को उठा के बैठा दो हो जाएगा, पूरा संप्रदाय का छुट्टी बन जाएगा। सब जुटे हुए हैं संप्रदाय को विनाश करने के लिए, संप्रदाय का सब विनाश करने के लिए सब जुटे हुए हैं। तो भगवान का पहले ही शुरुआत में एक बड़ा सिद्धांत तो प्रभुपाद जी का कृपा से कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण अपना अंदर में जो संपत्ति है, ये संपत्ति को उद्धव जी महाराज को देना चाहा, अंदर में रखकर कृष्ण भगवान विदा लेना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण विदा लेना चाहता है। इसका पहले भगवान अपना संपत्ति जो है, ज्ञान संपत्ति, भक्ति संपत्ति, जो कुछ भी है आचार आदर्श संपत्ति, सारे उद्धव जी महाराज के हृदय में रखना चाहे। लेकिन उद्धव जी तो आंसू से लुटपुट है, उद्धव जी तो आंसू से लुटपुट है, वो सुनना नहीं चाहता, क्या सुने। जिंदगी भर मैंने बचपन से जब से होश संभाला तब से भगवान आपका ही चिंता किया, यहाँ तक कि खेल खेल में आपका मूर्ति बनाया, अर्चन किया खेल खेल में बचपन से। अब आप कहते हो कि मेरे को छोड़ के चले जाओ, ये कैसे संभव है, ये कैसे मैं मान लूँ, मैं कैसे जीऊँ, मेरा जीना संभव नहीं है बिल्कुल, मैं मर जाऊँ, आपके अलावा मैं जी नहीं सकता।
पल पल में आपका अनुसरण किया, पल पल में आपका पीछे रहा मैं, अब आप कह रहे हो को मेरे को छोड़ के आप चले जाओगे, ऐसा तो लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे नित्य जगत में। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं विविक्तो उपसंगम जगदीश्वरेश्वरा, विविक्तो उपसंगम जगतामीश्वरेश्वरम प्रणम शिरसा पादौ प्रांजलि स्तम अभाषत, आंखों में आंसू लेकर गिर गिराते हुए उद्धव जी महाराज एकांत में जो जहाँ भगवान उपविष्ट है शिशंशी मूले पीपल वृक्ष का, ये जो वृक्ष का जो जड़ है वहाँ बैठा हुआ है भगवान, एक पैर का ऊपर दूसरा पैर रखकर चतुर्भुज मूर्ति धारण कर भगवान ठाकुर जी बैठा हुआ है, जैसे योग निद्रा को अपनाया कुछ सुनना नहीं चाहता, दुनिया से रिटायर किया, जैसे लगता है ठाकुर जैसे लगता है कि मानो कि लगता है ठाकुर जी दुनिया से रिटायर किया और बिल्कुल एकांत होके एकांत ये पीपल वृक्ष का सहारे बैठा हुआ है जड़ में। और विविक्त उपसंगम जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम शिरसा पादो प्रांजलि स्तम अभाषत, उद्धव जी क्या कह रहे हैं, प्रणाम करके अंतर से दिल टूट रहा है, दिल एकदम टूट रहा है, एकदम खड़ा रहना मुश्किल है, दिल इतना टूट गया कि मानो ये मर जाए उद्धव जी, ये संभव नहीं है, हमारा अनुभव में आना मुश्किल है, क्योंकि दैट टाइप ऑफ सेपरेशन हमारा जिंदगी प्रैक्टिकली आया नहीं, मेरा भगवान का साथ इतना प्यार थोड़ी है, गुरु वैष्णव का साथ थोड़ी मेरा ऐसा प्रेम है जो मरने के बाद हम मरने का हालत पैदा हो गया मेरा जिंदगी में। अभी उद्धव जी कह रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, टूट टूट के कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं देव देवेश जोगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्वै तत्कूलम नूनम लोकम संत्रक्षे भवान विप्रसापम समर्थयोपि प्रत्याहन्न जगदीश्वर। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं देव देवेशो जोगेशो पुण्य श्रवण कीर्तन, कितना टाइटल है देखो, पहले देखो देव सिर्फ देव नहीं, देवों का देव, तमाम देवों का देव, देवेशो देवों का ईशो है और जोगेशो है, जितना जोग है सब इन्हीं का चरण कमल से आता है जोगेशो, और एक टाइटल दिया पुण्य श्रवण कीर्तन, जो आपका मंगलमय पुण्य कथा, जो आपका मंगलमय कथा को कीर्तन करे पुण्य श्रवण के, पुण्य का मतलब ये जड़ जगत का पाप और पुण्य का कंसेप्शन नहीं पकड़ो, ये ठीक नहीं है, एब्सोल्यूट पुण्य जिसमें भगवत प्राप्ति का रास्ता खोल जाए, ये लिखा हुआ ठीक है पुण्य श्रवण कीर्तन, हाँ ठीक है, आम आदमी अगर सुने जिसका गुरुचरण का आश्रय नहीं हुई कुछ नहीं हुआ वो पुण्य मतलब उसका तकदीर बदल जाए। देव देवेश जोगेशो पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्वैत्वात्कूलम नूनम लोकम संत्यक्षे भवान वयम जुयम, ये सब तो है हम लोग तुम लोग ये सो है ही है, हैं अस्माकम जुस्माकम ये सो है संस्कृत में, और भवान शब्द जो है तत्र भवान अत्र भवान ये किसी को सम्मान देने के लिए, हिंदी में देखोगे हाँ हिंदी में कभी बच्चा को भी पिता माता आप बोलते हैं, इसका भी विशेष कारण है, हैं आप जाओगी माता जी उसको तू बोलना है, ब्रजवासी का माफिक तो मैं तू बोलता हूं, लेकिन कभी कभी तमिज से हिंदी शब्द में है, अपना लड़का लड़की को भी आप जाओगे क्या ऐसे बोलते हैं, तो ये जो तत्र भवान अत्र भवान जो है ये मतलब है सम्मान, संस्कृत में
सबसे बड़ा ये सम्मान है। ये भगवान उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान आप, मेरे को लगता है, मेरा महसूस हो रहा है कि आप ये जो संहृत्वी तत्कुलम, ये कुल को, कौन कुल? जदुवंश। भगवान ने पहले कह चुका, मन ही मन भगवान कह चुका, ये तमाम ये जो खानदान है जदुकुल, इसको ध्वंस करने वाले कोई नहीं है, मेरे को ही एक बहाना बना के ले जाना पड़ेगा। यही बहाना बनाया जिसका बारे में कल चर्चा हुआ, वो जो जदुकुल का सांप आया ना, कल चर्चा किया। तो उद्धव जी का कहना है संहृत्वी तत्कुलम, अपना ये कुल को, जदुवंशों को पहले संहार करके ऊपर ले जाने के बाद, नूनम, नूनम मतलब निश्चितमेव, नूनम मैंने श्योरली, नूनम लोकम, लोकम मैंने ये जो इस लोक, नूनम निश्चितमेव, आप इस लोक को, इस लोक को छोड़ना चाहते हो, इस लोक से आप चले जाना चाहते हो, इसलिए उद्धव जी ने कह दिया संहृत्वी तत्कुलम नूनम, नूनम माने निश्चितमेव लोकम, ये जड़ जगत, ये लोक है, ये समाज संसार आप छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो। मेरा मन में, मेरा दिल, उद्धव जी कह रहा है ठाकुर जी मेरा दिल ये कह रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो ये समाज संसार, ये लोक को छोड़ने के लिए। सो उद्धव जी का कहना जे मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप अगर इच्छा करो, मैं हर हालत में जानता हूं, आप अगर इच्छा करो तो ये विप्र सांप, ये जो सांप आए हुए हैं, ये सांप आए हुए हैं जदुवंशी का ऊपर, आप अनायास इसको काट सकोगे। इट इज अ मैटर ऑफ जोक फॉर यू, तुम्हारा लिए तो चुटकी है ठाकुर जी, ये तुम्हारा लिए चुटकी है, लेकिन फिर भी तुम करना नहीं चाहते हो, ये तुम्हारा एक बहाना है, तुम्हारा एक बहाना है, मैं जानता हूं। उद्धव जी पकड़ लिया, क्योंकि उद्धव जी का हृदय में भगवान श्री कृष्ण का आवास है, हर वक्त कृष्ण बैठे हुए हैं। विप्रसापम समर्थयोपी प्रत्यहन जगदीश्वर, जब भी आप ये विप्रसाप को हटाने के लिए, कटाने के लिए काबिल हो, कुछ भी कर सकते हो, फिर भी मेरा लगता है ये आप नहीं चाहते हो, ये भी एक किस्म का बहाना है, जिस बहाने को लेकर आप जदुवंशी को ऊपर ले जाना चाहते हो। तो उद्धव जी का कहना है, एक एक करके उद्धव जी रो रहा है, फूट फूट कर उद्धव जी रो रहा है और कह रहा है देव देवेश जय, देव देवेश जोगेश पुण्य श्रवण कीर्तन, देव देवेश जोगेश पुण्य श्रवण कीर्तन, संहृत्वै तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षति भवान, विप्रसापम समर्थयोपि प्रत्यहन्न जगदीश्वर। विप्रसाप को आप काट सकोगे, जला सकोगे, फिर भी यू आर नॉट विलिंग, आपका हृदय में ऐसा इच्छा नहीं है, आप ये बहाना बना के विप्रसाप, ये जो विप्रसाप, ये ब्राह्मण वैष्णव ऋषि मुनियों का साप को बहाना बनाकर आप अपना कुल को संहार करना चाहते। और उद्धव जी फूट फूट के रो रहे, कह रहे हैं नाहम तवांग्रि कमलम खनार्धमो पिकेशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथो सधामो नयो मामपि, नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमोपि केशवो त्यक्तुम समुत्सहे, एक बुद्ध भी, एक बाल बाल भी आपका चरण से मैं दूर रहना पसंद नहीं करूं, संभव नहीं है मेरे लिए। नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमो पिकेशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथो सधाम नयो मामपि, हमको भी ले चलो, कृपा करके हमको भी ले चलो, हमको बिछड़ के मत, हमको छोड़ के मत जाओ,
हमको भी ले चलो कृपा करके। उद्धव जी रो रहा है, कह रहे हैं भगवान ने अभी तक जवाब नहीं दिए। उद्धव जी कहते चले गए, तबो विकृतम कृष्णो निनाहम परम मंगलम कर्णो पिजुषम अशादो त्यजति अन्न स्पृहाम जनो। बोले तुम्हारा जीवन जिंदगी, कहने का मतलब है आपने जो लीला रचाए जिंदगी में, तबो विकृतम कृष्णो निर्णाम परम मंगल, आपने जिंदगी में जो लीला रचा के रख दिए, ये तमाम जगतवासी के चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, इटाली हो, इट्स मैटर्स लिटल, ये कोई बात नहीं। कोई भी अगर सुने अनिष्कपट हो तो इसका लिए परम मंगल विस्तार कर सकता है जरूर, परम मंगल। तबो विकृतम कृष्णो नीनाहम परम मंगलम कर्णो पिजुषाम अशादो त्यजति अन्न स्पृहायन। जब भी अंदर में तरह तरह का कामना वासना भरपूर है, जब भी हृदय में तरह तरह का कामना वासना से भरपूर है, फिर भी शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंत हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वत्मनी हैं श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रविष्यति। हर हालत में संग, हर हालत में संभव है, मैं जानता हूं यह असंभव है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं जानता हूं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माया को काटना, फिर भी मैं गारंटी देता हूं ये संभव है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो, हर हालत में संभव है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तबो विकृतम कृष्ण हो नीनाम परम मंगलम कर्णो पिजुषम अशादो त्यजति अन्न स्पृहायन। किसी का कानों में आपका कथा अगर पड़ गया, ठाकुर जी किसका, किसी का कानों में अगर आपका अपराकित हरि कथा किसी पहुंचा हुआ संत सा मुखारविंद से पहुंच गया होगा, तो पहुंच गया तो ये हर हालत में इसका दूसरा जो चाहत है वे मर मिट जाए, रहेगा नहीं, ये विदा ले लेगा। जिंदगी भर का जो कामना वासना एक चुटकी में छूट जाता है, भगवान का लीला कथा का इतना पावर है, ठाकुर जी का कथा का इतना पावर है, ये एक चुटकी में चले जाए। अगर निष्कपट है, अगर अपराध नहीं है तो तबो विकृतम कृष्णो नृणाम परम मंगलम कर्णो पीयूष, कानों के लिए तो अमृत जैसा है, अमृत वर्षा, और ये जिसका कानों में पड़ा वो त्यजंती अन्न स्पृहा यणहा, कोई भी आदमी तो उसका जो कामना वासना है अकाम अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। ये तो है ही है, कामना वासना है फिर भी भगवान का भजन करते 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 कामना वासना सारी छूट जाएगी, कोई नहीं बचेगा। तो तबो विकृतम कृष्णो नृणाम परम मंगलम ओके अकर्णो पिजुषाम अशाद्दो, इतना आनंद है, इतना अशाद्दो है कि सनकादि ऋषि सुन रहे हैं किससे, गुरु जी से। कौन गुरु है? सुतदेव गोस्वामी। सुतदेव गोस्वामी हरिकथा कह रहे हैं और सनकादि 60,000 ऋषि सुन रहे हैं, और सुनते 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 इतना पागल बन गया, शरीर मन झूमने लग गया, हरिकथा सुनते सुनते शरीर मन सारी झूमने लग गया। इसी हालत में सनकादि ऋषि ने एकदम हाथ जोड़ करके गुरु जी को कह दिया, ये गुरुजी आपका ये अमृतमय जो हरिकथा है, ये हमरी हरिकथा सुनते 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 वयम तू
न वृत्ति पाम उत्तम श्लोक विक्रमे जत्सनंतम है रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे। महाराज ये क्या जादू है, महाराज ये क्या जादू है। ठाकुर जी का कथा जितना सुने आपका मुखारविंद से और जो तृष्णा है ये बढ़ते चलता है, ये कमी नहीं हो रहा है। ये पीयूष ये अमृत तो पान करके लिए और चाहत पैदा होता, और पान करो इसका कोई विराम ना हो जाए। वयम तु न वृत्ति पाम उत्तम श्लोको विक्रमे जत्सन्नताम रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे। इन एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इन एवरी स्टेप वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर थ्रस्ट, वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर थ्रस्ट फॉर हियरिंग हरिकथा, आवर टेनेसिटी आवर अट्रैक्शन इंक्रीजिंग। हे ठाकुर जी क्या करें बताओ। जसिन्नताम रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे, जो सुनते आ रहे हैं ईच एंड एवरी स्टेप लगता है कि अमृतमय ये कथा का जो असर है हृदय पर, इसका जो रिएक्शन है ये अमृत बरसा रहा है, कहाँ जाए। भगवान श्री कृष्ण चुप चुपके से सुनते आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहे। उद्धव जी बोलते चले गए। तबो विकृतम कृष्ण नीनाम परम मंगलम कर्णो पीयूषाम आश्वादो त्यजति ही अन्न स्प्रिया है ना। दूसरा कथा दूसरा टॉपिक्स जो है ये जहर का मापिक लगेगा अगर ठाकुर जी का कथा सुना है तो, अगर नहीं सुना है नाटकबाजी कर रहा है तो उसका मेरा कोई जुमा नहीं है। सज्जा सनटनोस्तान स्नान क्रिया सनादिशु कथम ताम प्रियमात्मनम वयम भक्त्या त्यजमहि। ठाकुर जी आपको याद है ना, सोते सोते चलते चलते बैठते बैठते खाते खाते स्नान मनाते समय मैं आपका संग नहीं छोड़ा ना, हैं याद है ना। आपका उच्छिष्ट ऐसा भोजन किया, आपका पहनने वाला कपड़ा आपका जेवरत है आपका माला है आपका चूड़ा है जो कुछ भी है सारे मेरे को प्रसाद में मिला था ना, हैं ये सारे मेरे को प्रसाद में मिला था ना, ये सब मेरे लिए प्रसाद है। तयो हैं प्रसाद है ना। ए उद्धव जी महाराज कृष्ण को याद दिलाने के लिए कह रहा है कि जैसे कि ठाकुर जी और अपना जो ऑर्डर है अपना जो आदेश है उसको वापस कर ले। अच्छा चलो आपको हमारा साथ चलो। इसीलिए उद्धव जी महाराज एक से एक प्रवचन दे रहा है ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी को मनाने का कोशिश कर रहा है, तर्क दे रहा है युक्ति दे रहा है। ठाकुर जी सज्जा सनटनो स्थान सान क्रीड़ा सनादिश क्या बोला, सज्जा असन बैठते समय सोते समय अटन मतलब चलने समय सारे समय स्नान मनाने समय खाते समय सज्जा सनटनो स्थान स्नान क्रिया सनादिशु अशनादिशु अशन माने खाने के समय स्नान मना के हर वक्त सज्जा सनटनो स्नान सज्जा सना अटनो स्थान स्नान क्रीड़ा न किरा असनादिषु सज्जा सना अटनो स्थान स्नानो क्रीड़ा अशनादिषु कथम तम प्रियमात्मनम वयम भक्त्या त्यजेमहि। कैसे आप हमको छोड़ के जाओगे, हैं आपका साथ मेरा हर सांस जोड़ा हुआ है ठाकुर जी आपका साथ
आपका साथ, मेरा सांस, हर सांस जोड़ा हुआ है, आप कैसे मेरे को छोड़ के जाओगे। बाता सनाज ऋषयो श्रमणा ऊर्ध्वमंथिन ब्रह्माख्यम धामते यन्ति संता सन्यासीन अमला। बात अशना, जो वायु को कंट्रोल कर लिया, ऐसा ऋषि मुनि बातास को खाते हैं। बातासना ऋषयो शमना ऊर्ध्वमंथिन, जो ऊर्ध्व रहता, ये ब्रह्माख्यम धामो ते, आपका जो ब्रह्माख्य धाम को पहुंच जाएंगे, जानती ये लोग जाते हैं और शांत होके एकदम सुंदर गोती को प्राप्त करते हैं। ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासीन अमला, ये अमल एकदम पवित्र निष्कलंक एकदम पवित्र, ये जो सन्यासी है ऋषि मुनि है ये पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम तो कभी ध्यान नहीं जमाए, क्योंकि हमारा ध्यान जो है स्वाभाविक है। ठाकुर जी ये जो बात रसना जरिषयो समना ऊर्ध्वमंथिन ब्रह्माख्यम धामते यान्ति शांता सन्यासीन अमला। इसका इच्छा बात, इसका बात तो छोड़ो, ये तो ऋषि मुनि सन्यासी लोग जो करे, अरे हम तो सन्यासी नहीं, ऋषि मुनि भी नहीं है, हम विषयी है। उद्धव कह रहे हैं मैं विषयी हूं, हैं, मैं विषयी हूं ना, आपका साथ खाया पिया चला घुमा सब कुछ भी, मैं तो ऋषि मुनि नहीं हूं। वयम तो इहो महायोगिन भ्रमन भ्रमंत कर्म बत्मसु तद्वर्तया तरी श्याम स्तावत स्ताव कोई दुस्तरम तम। उद्धव जी अपने को हीन मान रहा है, मैं नीचा हूं, मेरा विषयी हूं। उद्धव जी विनम्र भाव है, उद्धव जी ठाकुर जी के सामने कह रहे हैं, ठाकुर जी मैं तो बेकार हूं, मैं विषयी हूं। वयम तो आमरा, हम लोग वयम तो महायोगिन भ्रमंत कर्म बत्मसु, ठाकुर जी कर्मफल का अनुसार मैं, कर्मफल का अनुसार मैं क्या करूं, अपना कर्मफल का अनुसार मैं घूम रहा हूं इस जगत में। हे ठाकुर जी मैं अपना कर्मफल का अनुसार घूमने वाला हूं, मैं क्या करूं। वयम तो महायोगिन, हे महायोगी भगवान, हे प्रभु, वयम तु इहो ई जगत में, वयम तु इहो महायोगिन भ्रमंत कर्म बत्मसु, कर्म मार्ग में भ्रमण कर, जैसा कर्म है वो कर रहा हूं। ए त्वद्वार्ताया, आपका जो प्रसंग है, त्वद्वार्ताया आपका जो प्रसंग है ना, ये जो भी है मैं गिरा हुआ इंसान हूं, सब कुछ हूं, मैं मानता हूं मैं गिरा हुआ इंसान हूं, मैं विषयी सब कुछ हूं, लेकिन त्वद्वार्ताया तरीशा, इतना कॉन्फिडेंस है उद्धव जी का, इतना कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूं, ये भक्ति का कॉन्फिडेंस, उद्धव जी का इतना कॉन्फिडेंस है जो भगवान के सामने कह रहे हैं, त्वद्वार्ताया तरीशामो स्तावकोई दुरंतम तमः। मैं बाजी लगा कर कह रहा हूं, ठाकुर जी मैं गिरा हुआ इंसान हूं, मैं विषयी हूं, अपना कर्मफल का अनुसार भटकते रहा हूं 14 भुवन में, मैं क्या करूं। फिर भी एक बात तो पक्का है, तद्वर्तया तरीशामः तावकोई दुस्तरम तमः। ठाकुर जी आपका जो प्रसंग को अपनाया ना, आपको देखते रह गए, आपका साथ पीछे रह गए, आपका खाना खाया, आप जो प्रसाद छोड़ दिया, भक्त आप जो कपड़ा फेंक दिया वो हमने पहना, आपका जेवरत है, आपका फूल माला है, कुछ भी है, ये प्रसाद सेवा किया नाम है। तद्वर्तया आपका कथा प्रसंग में रहे, कृष्ण फलाना किया, किसने ये किया, फलाना किया, ऐसा कहते रहिए। मेरा जिंदगी में तो ठीक है, हम मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं विषयी हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मेरा अंदर में भरपूर आत्मविश्वास है। गे तद्वर्तया तरी श्याम
तावकोई दुष्टरंतमा ये दुष्टरंतमा मामेव जो प्रपद्यन्ते माया मेथम तरंति थे अनंत माया, इसको पार करने में मेरा समय नहीं लगेगी। क्यों? हम तो आपका प्रसंग लेके हूं ना, आपका प्रसाद पाओ, आपका विस्तारा आपको मैसेज करते रहे, पादु संभावन आपका तमूल भोजन किया, आपका फेंका हुआ कपड़ा मैंने पहना, आपका जेवरत है, जो कुछ भी है इतद वर्तया दरिश्याम स्ताव कई दुस्तरम तो ये बात का पक्का है कि ये जो अनंत तमोराशि है माया है इसको पार करने के लिए मेरा समय नहीं लगेगी, मैं इतना विश्वास है। क्यों? बज स्मरंत कीर्तयंतस्ति कृतानि गदितानि च गतुस्मृते क्षणो खेली जन लोको विरंबनम स्मरंत। ये आपका बारे में जब मैं सोचने बैठा, ऐसे तो हर वक्त आपका चिंता ही है, ऐसे तो आपका चिंता ही हर वक्त है मेरा दिल में, फिर भी अगर मैं सोचते अगर अगर हम सोचने बैठ जाए कि स्मरंत कीर्तयंतस्ते कृतानि गदितानि च गतुस्मृते क्षण खेली जन्नो लोको विलंबन, ये तो लोगों को धोखा लग जाएगा। ऐसा आपका जो प्रसंग है कोई कोई समझेगा नहीं, ये भगवान है, ये जो भगवान है ये कैसा विचार देखो, ये तो भगवान है साक्षात। आपका जो हंसी है देखते रह गए, आप जो गमन करते हो हस्ती गमन गजेंद्र गमन जैसा, आप जब चलते हो आपका चलन देखा, आप जो हंसते हो आपका हंसी बदन कमल देखा है, आपका दर्शन किया जो आप परिहास करते रहते हो मजाक उड़ाते रहते हो ये सब देखा ना। ये जैसे 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 ही जगत का कोई साधारण आदमी, बिल्कुल आपने ऐसा बहाना बनाया जैसे कोई समझेगा नहीं ये भगवान है, ये एकदम पूरा के पूरा सरासर लगेगा ये जगत का कोई आदमी है। सो उद्धव जी कह रहे हैं स्मरंतः कृतयंतस्ते कृतानि गदितानि च गतुस्मृते क्षण खेली जन्न लोक विरंबन, लोगों को धोखा दे देगा। आपका जो करेक्टर है, आपका चलना फिरना, आपका गुस्सा दिखाना, कुछ भी करना है, आपका कुछ भी है एक्टिविटीज, ये लोगों को धोखा दे देगा। किसको धोखा देगा? जिसको भगवान के बारे में कोई आइडिया नहीं। तत्वज्ञानी पुरुषों को तो धोखा देना मुश्किल है, जैसे पितामह भीष्म, पितामह भीष्म जाते जाते मरने का समय भी बोल रहा है मैं ऋषिकेश मैं यो परात्पर अखिलेश्वर जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरण में मनोनिवेश करने के लिए बैठा हुआ हूँ, अब वो मेरे को कृपा करने के लिए मेरा सामने मेरा अंतिम समय में पहुँच गए, इतना कृपालु है इतना दयालु है, कंबा दयालुम शरणम भजन, किस दया को किसका चरण में हम जाए, कौन इतना दयालु है किसका चरण में मैं जाऊँ, कौन इतना दयालु है कृष्ण जैसा, दिखाओ मेरे को दिखाओ कौन कितना दयालु है, हैं? तो उद्धव जी महाराज कहते चले गए बोलते चले गए और भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, चुपचाप से सुनते रह गए, क्योंकि भगवान जानते हैं उद्धव झूठा नहीं बोल रहा है, उद्धव को रोक नहीं रहा भगवान, क्योंकि भगवान का चालाकी जो है, भगवान का जो ये जो चलाकी है बहाना है जदुकुल को संवरण करना कुछ भी है, ये उद्धव को पता चल गया, क्योंकि भगवान उद्धव जी का अंदर में बैठा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान कई दफे कह चुका कि उद्धव तू और मैं एक हूं, है अनुअपि मन नूनम उद्धव
अनुअपि मन न मनुनम उद्धव को मेरे से बाल बाल का भी कमी मत समझो। न उद्धव अनुअपि मनुनम मेरे से ज्यादा से कमी नहीं है। गुरुजी हंसते हंसते कहते थे, मजाक उड़ाते थे, बाप का बेटा सिपाही का घोरा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, क्या बोल रहा है, कौन माने माने क्या है। गुरुजी अक्सर ये मजाक उड़ाते थे हमारा साथ, बाप का बेटा सिपाही का घोरा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा ही बना दो क्या है, ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा बना दो, पूरा बनना तो संभव नहीं। स्मरण तो कीर्तयन्ते है, क्या लिखा, स्मरन्तो कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्वोत्स्मिते क्षणखेली जन्न लोको विरम्बनम। लोगों का लिए धोखाबाजी है, आम आदमी तो समझेगा ही नहीं। कितना आदमी नवद्वीप में, लाखों आदमी का वास है, हर चलते फिरते गौरंग महापुर, ये भगवान कौन समझे। अरे दिखने में बहुत अच्छा है, अरे बड़ा बात दिखने में अच्छा, समझ नहीं पाते भगवान है, है? समझ नहीं पाते भगवान है, ये चल रहा है आजू बाजू से चल रहा है, भगवान से तर्क कर रहा है, अरे छोड़ो बहुत हुआ, बहुत देखे हैं हमने ऐसा बहुत है। यहाँ तक कि सिधर जो है, सिधर का साथ महाप्रभु मजा कर रहे हैं, ए सिधर तेरा जो गंगा है, गंगा मैया का जितना महिमा मेरा चरणों से है, अरे राम राम तोबा तोबा तोबा, ऐसा बात मत बोलो, क्या बोल रहे हो, मेरा गंगा है, गंगा मैया बोल के तो एक तो थोड़ा सम्मान करो, है ब्राह्मण तुम इतना उद्धत हो, इतना है छी 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 उचित नहीं है, ए तुम इतना बड़ा हुआ हो, ऐ ये हमारा गंगा है, गंगा बोल के तो थोड़ा सम्मान। महाप्रभु ने हंसी उड़ाया, अब बाद में पता चला महाप्रभु ठीक बोल रहे हैं, अरे अरे सिधर तेरा गंगा का जितना महिमा मेरा चरण से ही है, ऐसा बोल रहे हो, छी 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 उचित नहीं है, गंगा मैया है ऐसा ही है, भगवान सही बोल रहे, भगवान का जोग माया का इतना प्रभाव है, एक जोग माया से कोई बाहर नहीं जा सकता, भगवान का इच्छा के अनुसार जोगमाया एक्टिव है, जोगमाया जो करेगी वही होगा, वही होगा। ये जो माया है जोगमाया महामाया, ये दो किस्म का है, ये एक है सजन विमोहिनी माया, एक है दुर्जन और विमोहिनी माया। सजन विमोहिनी माया का उदाहरण दे दे, जैसे सोची जैसे जसोदा मैया और रोहिणी मैया, और कहां से पुतना आफत आई, घर में घुस गई और देवता का रूप बनी, देवता देवी का, और जसोदा मैया और रोहिणी मैया देखते रह गई, कुछ नहीं बोल पाए, बच्चा को उठा लिया, अरे क्यों उठा रहे हो, ऐसा भी नहीं बोला, ऐसे जादू टोना है, ऐसा जादू टोना चल गया जे, अरे बच्चा को क्यों उठा रहे हो पलकी से, ऐसा भी नहीं बोल रहा, और कहाँ लेके जा रहे हो ये भी नहीं बोल रहा, जैसे मेस्मरिज्म एक मैजिक हो गया, रोहिणी मैया और जसोदा मैया चुप हो गया एकदम पुतली जैसा, ये कैसे हुई, कैसा हो गया, ये भगवान का सजन विमोहिनी माया, आई बात समझ में, सजन विमोहिन माया। और दूसरा जो केस है, कंसों को धोखा दिया, इसको धोखा दिया, सारे ये दुर्जन विमोहिन माया, जिसके द्वारा पता नहीं चलता ये भगवान है, भगवान इच्छा करके छुप के रहता है, परिचय नहीं देते कि मैं भगवान हूं, कभी कभी बोल देते अरे मैं, लेकिन बोलते नहीं, चुपचाप रहते हैं। तो ऐसा है, लोगों को धोखा देने वाले ये लीला है, कोई समझेगा ही नहीं, क्या लीला है, क्या मिठास है लीला, ये साक्षात भगवान है, कोई समझेगा नहीं।
सुखदेव अभी तो इतना तक, अभी तो इतना तक, अभी तो इतना तक, अभी तो इतना तक उद्धव जी महाराज बोलते चले गए, अभी तो इतना तक उद्धव जी महाराज बोलते चले गए। अभी अभी सुखदेव गोस्वामी कुछ कमेंट, अभी सुखदेव गोस्वामी कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एवं विज्ञापितो ब्राह्मण भगवान देवकेशतः एकांतीनः एकांतीनं प्रियं वृत्तं उद्धव समभाषत, उद्धवम समभाषत। क्या बताया? शिशुकवाच एवं विज्ञापितो, ऐसे भगवान के सामने अपना दिल को खोल दिया। उद्धव जी बोलते रह गए, अपना जो एप्लीकेशन है ये सबमिट की, अपना जो एप्लीकेशन है सबमिट की भगवान के सामने इतना समय तक। शिशुकुवाचो एवं विज्ञापितो राजन, एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकेशतः, इतना बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण देवकेशतो भगवान राजन, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, इतना सुनने के बाद देवकेशतो भगवान क्या कर रहे? एकांतीनम प्रियम भृतम उद्धवम समभाषत। देखो कितना टाइटल है, कितना टाइटल है। एकांतीनम माने एकदम अपना आदमी है, जिगड़ी दोस्त ये भी कमी है, हमारा जिगड़ी दोस्त है ये भी कमी है, क्योंकि ये मेटेरियल शब्द है। भगवान कह रहे एकांती नाम, जिसको अंतर का गहरा विचार, अपना अंतर का जितना भी गहरा सीक्रेट सेंटिमेंट है, ये उद्धव के सामने भगवान अनायास कह सकते, अनायास कह सके। इसलिए ये देखो ये टाइटल पर गया, पहले बोला एकांती नाम, एकांत भक्त है जिसका सामने कुछ सीक्रेट, कुछ चालाकी चलता नहीं, जिसका सामने सारे सीक्रेट चीज को दे सकता भगवान, ये एकांतिनम। उसके बाद प्रियम, प्रियम मतलब प्यारा, ये बड़ा अनोखा टाइटल है प्यारा। भगवान खुद पर, भगवान खुद का, भगवान का खुद का प्यारा है उद्धव जी। एकांतिनम प्रियम भृत्तम, अब सेवक बोल के मान लिया भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, सेवक बोल के मान लिया ना, अधिकार दी। तो पहला है एकांतीनम, उसका बाद प्रियम, उसका बाद भृत्तम, उसका बाद उद्धवम। अरे अच्छा उद्धव बता दिया, अच्छा उद्धव का ये शब्द जो है, उद्धव का माने क्या है? ये उद्धव जो बोला ये शब्द है, ये उद्धव को महाराज, उद्धव शब्द का माने क्या है? ये भी तो कोई माने होगा, जैसे कृष्ण शब्द का माने हैं, मधुसूदन शब्द का माने हैं, मुकुंद शब्द का माने हैं, जनार्दन शब्द का माने हैं, त्रिपुर है ना माने, तो ये उद्धव शब्द का क्या माने हैं महाराज? उद्धव शब्द का माने हैं एक बड़ा भंडारा, महोत्सव है, समझा? एक बड़ा अनोखा उत्सव है, इसका नाम है उद्धव। उद्धव माने अति उत्तम उत्सव, मतलब अपना फिजिकल उपस्थिति, अपना फिजिकल उपस्थिति के द्वारा उद्धव औरों का हृदय में उत्सव पैदा कर सकता है। अक्सर मैं 84 को उसे लगाते रहते थे, याद हो गया। एक रामानंदी बाबा उसका आचरण ठीक नहीं है, जो भी अच्छा एकदम अच्छा दिल का है, और वो दाऊजी महाराज का जो ओबे गांव है, शेरगढ़ से जाना पड़ता है बहुत दूर, बल्लाव जी महाराज का रास स्थली है, वहाँ जाने से ही मैं रहता था, मेरा इतना आकर्षण है वो जगह, और सन्नाटा बहुत सुंदर है, और ये रामानंदी बाबा पागल जैसा कभी कभी रहते, कभी कभी कहाँ चला गया कोई पता नहीं चलता, और जब रहते मेरा साथ भेंट हो जाता, वो आनंद से कहते थे बाबा आप आ गए हो, आनंद लेके आए हो। मैं बोले ये तो गलत बात है, मैं दुख लेकर आता हूँ, इतना कड़ा प्रवचन बोलता हूँ, सबको को दुखी बनाता हूँ,
मैं आनंद लेके कैसे, लेकिन ये रामानंद बाबा कहते थे बाबा आप जब भी आते हो आनंद लेके आते हो। मैंने अच्छा ठीक है, चलो ठाकुर जी का अच्छा। जब इस तक से सुखदेव गोस्वामी का जो यो सुखदेव गोस्वामी का जो जो बातें हैं अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतीनं प्रियं भृत्तम उद्धवम समभासत। अभी भगवान अपना, अभी तक तो बोलती बंद रखा, अभी भगवान कहना शुरू कर देगा। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंस संहितायां परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे उद्धव संवादे षष्ठो अध्याय समाप्त है। आई बात समझ में? समाप्त। आज काल की चर्चा हो पाएगा इस विषय पर। अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारुधि तीव्रेण भक्ति योगेण जजेत पुरुषम परम वांछा कल्पतरु के बासिंद पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमः।